कांग्रेस विधि विभाग की बैठक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवा देवांगन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, साथ ही कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय विधि विभाग की निर्वाचन समिति का गठन किया गया। कांग्रेस के विधि विभाग की बैठक राजीव भवन रायपुर में आयोजित हुई। बैठक में पूरे प्रदेश से आए विधि विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवा देवांगन उपस्थित हुए। यहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश स्तरीय निर्वाचन समिति का गठन किया गया। निर्वाचन समिति में प्रत्येक जिले से 5 लोगों को शामिल किया गया है, साथ ही रायपुर जिले के लिए 11 सदस्यों का चयन किया गया। विधि विभाग आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव से संबंधित कार्य करेगा, जिसका मुख्य कार्य यदि कोई कांग्रेस के दावेदार के खिलाफ आपत्ति करता है तो उसका जवाब देना है। साथ ही सोशल मीडिया में अपशब्दों, टिप्पणी आदि का प्रयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का कार्य विधि विभाग के पदाधिकारी करेंगे। बैठक में कांग्रेस विधि विभाग के पूरे प्रदेश से आए पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने विधि विभाग अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करेगा। विधि विभाग के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा भिलाई नगर कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष एडवोकेट अजहर अली का सम्मान किया गया। बैठक की जानकारी विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवा देवांगन और भिलाई नगर के अध्यक्ष एडवोकेट अजहर अली ने दी। आज राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ की बैठक रखी गई थी, जहां आने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में निर्वाचन समिति बनाया जाना था। हर जिलों में निर्वाचन समिति सदस्य बनाए जाने थे, जिसके लिए डॉक्टर देवा देवांगन एवं पूरी टीम ने आज एक आवश्यक बैठक रखी थी, जिसमें चुनाव के संबंध में और कैसे कांग्रेस को जिताया जाए और जो आने वाले टाइम में जो लोग कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि जरूरी होती है, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए और जो चुनाव लड़ रहे हैं उस समय उनको सहयोग करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए हमारी टीम तैयार की गई है। तो आज एक आवश्यक बैठक राजीव भवन में रखी गई थी, जिसमें रायपुर, दुर्ग, धमतरी और अलग अलग जिलों के अधिवक्ता जो विधिवक के सदस्य हैं लीगल सेल के उपस्थित थे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और आए हुए आगंतुकों का स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग की मीटिंग राजीव भवन शंकर नगर रायपुर में रखी गई थी, जिसमें बहुत से हमारे अधिवक्ता साथीगण और पदाधिकारीगण उपस्थित हुए हैं। बिलासपुर, धमतरी, कुरूर, ध्रुव, भिलाई के भी अधिवक्ता साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज की इस मीटिंग में। आज की इस मीटिंग में इस बाबत चर्चा की गई थी कि आगामी छत्तीसगढ़ के चुनाव में, जो होने वाले विधानसभा के चुनाव में, हमारे विधि विभाग की ओर से प्रत्येक अधिवक्ता साथी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और निर्वाचन से संबंधित संपूर्ण कार्यों का, मतलब अपने कार्यों के लिए मुस्तैद रहे। जो भी समस्या किसी भी प्रकार से विधि से संबंधित आती है, उसके निराकरण करने के लिए समस्त अधिवक्ता साथी तैयार रहेंगे और एक समिति का गठन करने के लिए यहाँ पर मीटिंग भी रखी गई है, जो निर्वाचन से संबंधित कार्य करने के लिए उपस्थित रहेंगे, पूरे चुनाव तक अपना योगदान देंगे। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में 5-5 सदस्य की हमने समिति नियुक्त की है, उस समिति में भी हमारे साथीगण सब उपस्थित रहेंगे और विधि से संबंधित सभी कार्य करेंगे। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार पुनः आए, इस संदर्भ में उनकी द्वारा उन सरकार के जो कार्य योजनाएं हैं, उनकी जो उपलब्धि है, उसको अभी हम अपने अपने पक्षकारों के माध्यम से लोगों, आम जनता को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले छत्तीसगढ़ आने वाले चुनाव में पुनः भूपेश बघेल जी की सरकार बने और उनके हाथ को हम मजबूत करने के लिए यहां पर मीटिंग रखे हुए हैं। कांग्रेस विधि विभाग की संपन्न हुई बैठक में पूरे प्रदेश से आए विधि विभाग के पदाधिकारी उपस्थित हुए और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।